हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट कैसे करते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कैसे करते हैं और डुप्लीकेट वैल्यू में से यूनिक वैल्यू कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि डुप्लीकेट वैल्यू को हम काउंट कैसे कर सकते हैं, कितने डुप्लीकेट्स जो हैं वो हमारे डेटा में हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर नॉर्मली एक फॉर्मूला है काउंट इफ का, काउंट इफ लगा लेंगे। उसके बाद में रेंज जाएंगे, रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर एड एफ फोर के साथ में इसको फ्रीज कर देंगे, ठीक है, ताकि फॉर्मूला लगाते हैं इसमें हमारी जो है डेटा की जो रेंज है वो चेंज ना हो, क्योंकि हम सेम सीट पे ही फॉर्मूला लगा रहे हैं इसलिए। उसके बाद कॉमा देंगे, उसके बाद में हमको क्या करना है कि हमें क्या काउंट करना है, ये काउंट करना है। तो यहाँ सेल की रेंज देंगे और इसके साथ में हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे, फॉर्मूला कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। देख लीजिए अभी हमारा जो टोटल काउंट है वो इसको करके देख लीजिए, ये आ रहा है हमारा 28। अभी हम इसको भी चेक कर लेते हैं तो ये भी हमारा 28 ही है, ठीक है।